हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 4.1 ऑफ एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक करना ना भूले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एज आई सेड आज हम सीखेंगे एल्टीट्यूड और मीडियंस। तो एल्टीट्यूड और मीडियंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है, और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है समझना। आई एम सॉरी, मैंने इस पर वीडियो अभी तक बनाया नहीं था क्योंकि बोर्ड पे करना इम्पॉसिबल था, तो मैंने कुछ जुगाड़ करके इस तरह से बुक में करने का सोचा। सो ये आसानी से हो सकता है यहाँ पर बैठे बैठे। सो देखिए, एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस आर कनेक्टेड टू ट्राइंगल्स। ओके, पहली बात, ट्राइंगल से कनेक्टेड है ये दोनों टर्म। ओके, और एल्टीट्यूड पहली बार जानते हैं। मेरे पास स्टेंसिल है और ज्योमेट्री बॉक्स है। स्टेंसिल्स अगर आपको मिल रहा हो तो वेल एंड गुड, बिकॉज़ क्या होता है ना, स्टेंसिल्स में आप कई चीज़ें ऐसे ड्राइंग करने में, मतलब जिनको सर्कल राउंडर मतलब यूज़ करने को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, या तो फिर ऐसे लाइन्स खींचने को स्केल से प्रॉब्लम हो रहा हो, तो स्टेंसिल बहुत ही उपयोग वाली चीज़ होती है। सो देखिए, यहाँ पर मैं ये जो है ये ट्राइंगल लिख, अभी मैं एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं पेन से ओवरऑल करूँगा मतलब ड्राइंग, तो आप लोगों को पेन से नहीं करना है। आप लोग पेंसिल से प्लीज़ ज्योमेट्रिकल फिगर्स ड्रॉ कीजिए, नहीं तो टीचर आपका मार्क्स कट कर लेगी। मैं अभी स्टार्टिंग में ही कह रहा हूँ ये चीज़। ओके, तो देखिए, अब मेरे पास स्टेंसिल है तो अच्छी बात है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज स्केल से भी आप लोग कर सकते हो अगर जिनको जम रहा हो। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और मैं एकदम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, और एक और ऐसे थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा, मतलब थोड़ा क्रुकेड टाइप लाइन बोल सकते हैं हम लोग। ये 90 डिग्री है बराबर। तो जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये इस लाइन के बारे में हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं? पहली बात, ये स्ट्रेट एंड, मैं तो स्क्रीन पे ला रहा हूँ। ओके, स्ट्रेट एंड राइट एंगल। जब भी कोई भी लाइन ट्राइंगल में स्ट्रेट होता है और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का होता है, उसे कहते हैं हम एल्टीट्यूड। ओके, एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड बोल सकते हो, एल्टीट्यूड्स बोल सकते हो, सिंगुलर प्लूरल जो भी आपको लगे। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर 90 डिग्री का साइन होता है तो वो एल्टीट्यूड होता है, और जो थोड़ा सा क्रॉस वे में होता है, ऐसा थोड़ा आड़ा टेढ़ा होता है, उसको बोलते हैं मीडियन या फिर मीडियंस, जो भी। ओके, बहुत ही सिंपल चीज़ है। पहली बात, ये दोनों टर्म्स ट्राइंगल से कनेक्टेड है, और ट्राइंगल पे जो स्ट्रेट लाइन होता है 90 डिग्री का, ओके, उसे एल्टीट्यूड कहते हैं, और जो थोड़ा सा क्रुकेड होता है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा होता है, उसे मीडियन कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं सम सॉल्व करते हुए आप लोगों को बताऊँगा, जैसे कि क्या होता है वो देखो, कॉन्करेंट लाइन्स, ऑर्थो सेंटर, ये सब क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं जब सॉल्व करते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 22 ओपन कर लीजिएगा, और पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है। इन ट्राइंगल LMN डैश इज एन एल्टीट्यूड, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एंड डैश इज अ मीडियन, ठीक है, और इन लोगों ने एक ट्राइंगल दिया जैसे मैंने यहाँ पर, तो मैं यही पर्टिकुलरली आप लोगों को बता दूंगा। LMN यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब वो नेमिंग कर रहा हूँ। एक्स यहाँ पर आएगा और वाई, तो अगर आप देखो तो डैश इज एन एल्टीट्यूड, तो LX इज एन सेगमेंट LX लिख दो, वो बेटर होगा। सेगमेंट LX इज एन एल्टीट्यूड एंड सेगमेंट LY इज अ मीडियम, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, ड्रॉ एन एक्यूट, ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल PQR, ड्रॉ ऑल इट्स एल्टीट्यूड, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज O। तो इसमें बताया गया है कि हमें अक्यूट एंगल, अभी अक्यूट और ऑप्टिव्स क्या होता है, अक्यूट होता है 90 डिग्री से कम वाला एंगल ट्राइंगल, और ऑप्टिव्स एंगल कैसा रहता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ओके,
यहाँ पर बोला है पी क्यू आर करके एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो अक्यूट एंगल्ड होना चाहिए, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। मैं यहाँ पर अब आप लोगों को बताऊँगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, ये सब टर्म जानना ज़रूरी है। तो आप चाहे तो ये वाला स्टेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पर कोई मेजर्स का नहीं पूछा है ना, अब तक तो नहीं पूछा है। मैं इसे पेंसिल का इस्तेमाल करके को बताता हूँ। अब ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और राइट ये हो गया। अब इन लोग ने बोला है कि एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड मतलब कई एल्टीट्यूड तीनों साइड से, एक दो तीन। तो मैं पी के तरफ से तो ले ही रहा हूँ, एक ये हुआ ओके, एक मैं आर से ले रहा हूँ ओके, और एक मैं ले रहा हूँ क्यू से। मैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का भी आपको बताता हूँ इससे ही, इसके थ्रू ही, तो संभाल के कर लीजिएगा। वेट अ सेकेंड, ओके। अभी देखो ये 90 डिग्री हो गया, देखो कैसे ये एक 90 डिग्री हो गया ओके, ये एक 90 डिग्री हुआ आर से, और एक 90 डिग्री यहाँ से हो गया ओके। एक यहाँ से हुआ पी से, क्यू से और आर से। अब ये जो दो तीनों मिल रहे हैं जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो ये ओ होता है ओके। ये देखो तीनों एल्टीट्यूड एक साथ मिल रहे हैं, वो पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इधर से ये सब तीनों जगहों से कॉर्नर से एक साथ जुड़ रहे हैं, तो ये बीच का पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ओके। तो आप इसको आप आर एस भी ले सकते हो, यहाँ पर एक नेमिंग एस टी यू जो है आपकी मर्जी ओके। तो ये इजी था ऑलराइट। अभी आगे का देखते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे करना चाहता हूँ, बिकॉज आई फील कि राउंडर का इस्तेमाल होने वाला। ओके सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बताया गया है कि ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एच टी बी, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। ओके सेंट्रॉइड क्या होता है मैं बताता हूँ, वो टेंशन की बात नहीं है। अब ये थोड़ा सा लेंदी सम है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ओके। क्वेश्चन नंबर 3, बीचों बीच आप लोग एक लाइन ड्रॉ करो, बिकॉज क्या होता है ना कभी कभी बोल नहीं सकते रे पेन से। एक आप एक लाइन खींच लीजिएगा, और ऑप्टिव एंगल बोला है मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा आप ले सकते, तो मैं 120 तक ले लूँगा। वन ट्वेंटी यहाँ पर है, तो एक लाइन खींच लीजिएगा अच्छा खासा। थोड़ा एक्सटेंड किया मैंने लाइन, कोई बात नहीं, ये आपका ऑप्टिव एंगल ट्राइंगल हो जाता है। फिर कुछ नहीं, आप लोगों को बस राउंडर का इस्तेमाल करना है। राउंडर को किस तरह से इस्तेमाल करना है, देखो ये जो है पॉइंट, उसको आपको ज़मीन पर रखना है, ऐसे ये ओपन करना है, ये पेंसिल है, इसको भी दोनों को टच होना चाहिए नीचे सरफेस पे, ये देखो इक्वल है, तभी जाके आप ऐसे ओपन क्लोज कर सकते हो। अभी यहाँ पर इन लोगों ने कितना मेजर दिया है देखो, ट्रिक समझो, ये तकरीबन 6 सेंटीमीटर का है, तकरीबन 6.5 तक ही है, 6 सेंटीमीटर तक पकड़ लीजिएगा, थोड़ा डिविजिबल टाइप ही रखते हैं। ये है तकरीबन 8.5 है, तो मैं 8.4 लेता हूँ, ये 6.4 ले लेता हूँ चलो। ये तकरीबन है 13 है, तो मैं 12.8 ले लेता हूँ, तो बेटर होगा। तो अभी हमने हमें क्या करना है, इसका मतलब हाफ ऑफ हाफ लेना है, मतलब 6.4 का हाफ कितना होगा आप डिवाइड कीजिए, 6.4 का हाफ कितना हो रहा है, 2 3 6, 2 2 4, तो 3.4 हो गया। 3.4 का हाफ कितना होता है, 2 1 2, 7 2 14, देखो यहाँ पर 3.4, 6.4 का हाफ है 3.4, 3.4 का हाफ है 1.7, तो ये 3.4 और 1.7 इसको प्लस करो, 7 8 9 10 11, 5.5। तो अभी आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ, देखो पहली बात मैं वापस से बता रहा हूँ, 6.4 का हाफ कितना है स्टूडेंट्स, डिवाइड करना है 3.4, 3.4 का हाफ कितना होगा 1.7, तो ये 3.4 और 1.7 को प्लस करो, और फिर मैं बता दो क्या करना है।
अब ये 5.1 हो जाता है, तो 5.1 का एक राउंडर ले लीजिएगा, मतलब इतना मेजर का आप सेट करके रखो 5.1 का। और ये जो कॉर्नर है ऐसे दोनों कॉर्नर्स में 5.1 5.1, फिर अभी ये जितना है 6.4 उतना आप मेजर लीजिए। ध्यान से देख के, ऐसा कुछ नहीं पैनिक होने वैसा कि भाई ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, एक दो बार समझ जाओ, देखोगे तो समझ जाओगे। तो 6.4 लिया, ये जो है मेजर यहाँ पर मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर, ओके, फिर मैं यहाँ पे ऐसा कनेक्ट करूँगा। सॉरी मैं कहाँ से ले रहा हूँ यार, ऐसा फिर आप बस कैमलिन का ये है तो कोई टेंशन नहीं, कैमलिन भी स्पॉन्सर नहीं करता ना मेरे को, उसका ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। अरे यार स्पॉन्सर के चक्कर में क्या मैं कर रहा, क्या हो रहा है, थोड़ा ऊपर ऊपर हो गया, सॉरी फॉर दैट, आई हेट दिस, मैं इसके लिए कभी यूज़ नहीं करता, क्या है ये। ओके एक हो गया, अभी हम इसका देखते हैं 8.4 का, पेन कुटे गया, 8.4 का हाफ कितना है, 4 2 8, 7 2 14, तो 4.7 हो रहा है। 8.4 का कितना हो रहा है, 4.7, नहीं नहीं वेट अ सेकेंड, मैं वापस से कर रहा हूँ, 2 4 8 एंड 2 2 4, अच्छा 4.2 है, 4.2 का हाफ कितना होगा, 2.1, फिर भी डिवाइड करो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, तो 4.2 प्लस 2.1 3 6, तो 6.3 लेना है। आप लोग समझे ना, इसका हाफ का हाफ दोनों को प्लस करो, 8.4 का हाफ है 4.2, 4.2 का हाफ है 2.1, इन दोनों को प्लस करो 6.3 होगा, 6.3 को फिर आप लोग मेजर करो ऐसे दोनों तरफ यहाँ पर, ओके कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना हुआ था 6. कितना हुआ था 6.3, ओके गलती ना हो, इसके लिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर अभी यहाँ पर, ओके तो अभी 8.4 लेते हैं, जितना दिखाया पूछा गया उतना ही करेंगे। ही ले लो, ओ ये तो थोड़ा बाहर निकल रहा है, ठीक है मैं कर लेता हूँ, ओ गॉड प्रॉब्लम कहाँ गया, देखो कितने कॉर्नर में गया है, इसके लिए सब प्रॉब्लम हो रहा, ठीक है ऑलराइट। हाँ भी अरे यार ये बहुत पूरा है, अब इसकी बारी है, कितना है इसका 10.8, ओ माय गॉड 10.8 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, राइट 10.8 विल बिकम मोर बिगर यू नो, तो 10.8 जैसे कि हम ले सकते हैं
10.8 का हाफ कितना होगा? 10.8, देखो आप लोग, 5, 2 5 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 5.4, 5.4 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, तो 5.4 प्लस 2.7 11, 8.1, ओ गॉड, 8.1 लेना हम लोगों को, हाफ का हाफ को दोनों को प्लस करके 8.1। पॉइंट एट, ओ माई गॉड, ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो जाएगा फिर, ये प्रॉब्लम है ना। इट इज़ गोइंग नियर टू 11 सेंटीमीटर, विच इज आई फील इज़ नॉट राइट। लेट्स सी क्या होता है इसके लिए। इसके लिए पूरा एक पेज चाहिए रहता है, पूरा एक सप्लीमेंट पेज रहता है ना, आप एग्ज़ाम में मांगते हो भाई। अरे पूरा इस पे ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, आप लोग रफ कॉलम कर लीजिएगा, ओके वो बेटर होगा। देखो बहुत बड़ा लाइन हो रहा है, मेरा स्केल भी नहीं पहुंच रहा उधर, एक प्रॉब्लम है ना, सबको एक साथ जोड़ो फिर कुछ फायदा ही नहीं। इसको पूरा इतना जोड़ना रहेगा, इसके लिए मैं क्या करूँ, मैं कोई डाई टेक्स्ट बुक है इधर, कोई बुक भी होगा तो अच्छा है, हाँ मेरे पास टेक्स्ट बुक है। और तो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, अभी कुछ कर भी नहीं सकते ना हम लोग। बेस्ट है पेन से यही लेके सीधा एक लाइन खींच दो, गुड, दिस इज व्हाट वी कुड हैव डन। अब देख रहे हो आप लोग, ये एक लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन, दोनों एक साथ यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। अभी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस की बात करते हैं, क्या लेटर क्या दिया ट्राइंगल, एस टी वी, बराबर एस टी वी। अभी एस की तरफ अगर आप देखो तो लाइन यहाँ से जोड़ा जाता है, देखो एस का मीडियन बोला ना, तो ये जो लाइन है इधर, ये एक मीडियन हो गया। सेकेंड मीडियन देखते हैं, सेकेंड मीडियन एच टी टी का यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, ओके, और वी का लाइन यहाँ से, देखो ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो एस टी और यू वी, ये पॉइंट ऑफ, ये सेंट्रॉयड होता है, ओके, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस नहीं, इसको सेंट्रॉयड बोलते हैं। और सेंट्रॉयड आप कुछ भी चाहिए वो लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँगा एच टी यू वी डब्ल्यू लिखता हूँ, तो डब्ल्यू इज़ द सेंट्रॉयड ऑफ एच टी डब्ल्यू। अब मैंने यहाँ पर कौन सा डिग्री यूज़ किया है, बहुत से लोग जब सॉल्व करेंगे उनको प्रॉब्लम होगा, इससे पहले मैं बताऊँ, मैंने 120 डिग्री लिया, ओके, 120 डिग्री पे ट्राई करो, और आप लोगों को जैसे मैंने ये ट्रिक बताया वैसे करो। ये आप लोगों को कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, ये ट्रिक मेरा अपना ट्रिक है, ओके, तो आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिए, अदरवाइज़ क्या होगा, ये सब लाइन, ये जो है ना सेंट्रॉयड, ये नहीं मिलेगा, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं समझ गए हो एक बार में तो वापस वापस देखो, लेकिन समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, तो पॉज करो जिन्हें देखना हो किस तरह से किया गया है, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या लिखे, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल, ओके, एलिमेंट ड्रॉज एल्टीट्यूड्स एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय ओ, ऑर्थो सेंटर बोला अभी, नहीं नहीं एटम्स, पहले पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आप लोग समझ गए, क्वेश्चन नंबर 2 में था, सेंट्रॉयड के बारे में आपको बताया, अभी आपको मैं ऑर्थो सेंटर के बारे में बताता हूँ। लेकिन पहली बात हम ऑप्ट्यूस एंगल का देखते हैं, ऑप्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा, तो हम लोग वही लकी 120 डिग्री लेंगे, क्योंकि वही सबसे लकी माना गया मेरे लिए, पिछला सम आराम से कर पाया मैं। तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक नॉर्मल लाइन 120 डिग्री ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ से, यहाँ से लेते हैं, बड़ा लाइन खींच लीजिए, ज़्यादा बड़ा मत कीजिए, अगर आपको छोटा रखना हो तो वो भी कर सकते हो,
इट्स नॉट अ फोर्स बाय एनीवन। बस इसको भी अगर आपको रब करना हो, बिकॉज क्या होता है ना, मेरे हिसाब से आप लोग थोड़ा छोटा ही रखोगे, तो जितना आप छोटा रखोगे उतना बेटर होगा। तो फिर मेजर करते टाइम तो बहुत प्रॉब्लम होता है यार, आपने देखा ही अभी क्या हुआ था। ठीक है, मैं एक बहुत ही छोटा सा बना, और लोगों ने बोला LMN, तो LMN पहले ही मैं इसका लेबल करके रखता हूँ। एन को थोड़ा सा हम ऑटो सेंटर है, इसके लिए मैं एम और एन को थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, एन और एम। ठीक है, ऑल राइट। अभी इन लोगों ने क्या बोले, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एलिमेंट, ड्रॉ द एल्टीट्यूड्स। ओके, एल्टीट्यूड यहाँ पे एक हो सकता है, बाकी यहाँ पे सब मीडियंस होंगे। देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ऑटो सेंटर का मतलब होता है, एक तो देखो कॉन्करेंस होता है वो अंदर होता है ट्राइंगल के अंदर, सेंट्रॉइड भी अंदर ही होता है, लेकिन ऑटो सेंटर बाहर होता है। तो पहले बात मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, जो एम से ही हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन विच इज़ 90 डिग्री। तो इसको मैं कोई भी लेटर दे सकता हूँ बाद में। और यहाँ पर एक LM से मैं एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ ऐसे एक्सटेंडेड। ठीक है, और ओके, एक मीडियन की तरह ड्रॉ हो रहा है। और ये MN को भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ताकि हमें ऑर्थो सेंटर अच्छे से मिल सके। जितने भी एक्स्ट्राज है इसको हम थोड़ा ड्रॉ कर देंगे, और L से एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट इरेक्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसके लिए एकदम परफेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, पहले मैंने 90 डिग्री का ये लिया, अभी देखो यहाँ से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, वी कैन कनेक्ट द ड्रॉ डॉट्स, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। अरे कैमरा ना बीच में आ जाता है, इसको मैं ज़रा ओके, और फिर मैं इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। देखो ये तीनों जुड़ गए, तो ये होता है ऑर्थो सेंटर विच इज़ ओ, ओ बोला है ना इधर, डिनोट ऑर्थो सेंटर बाय ओ। तो LMN जो भी आपको चाहिए लिख सकते हो, पी क्यू आर लिखता हूँ, पी क्यू एंड आर। तो ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ एक 90 डिग्री हो गया, ओके, और बाकी सब मीडियंस है। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करना है। पहले आप 120 डिग्री का एक ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ कीजिए, ओके। देखो एक चीज़ समझो, L से एक लाइन खींच दो, ओके, L से एक लाइन खींच दिया, फिर N से एक लाइन खींच दो, और यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा खींच दो, बिकॉज ये एल्टीट्यूड हो रहा है। तो यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, और यहाँ से एक लाइन, और ये सब मिलता है यहाँ पर ऑर्थो सेंटर है O, ओके। बहुत इजी था ये। ठीक है, इसे पॉज करके देख लीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या लिखा है, ड्रॉ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाई जी। ओके, तो पहली बार हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। लेट्स सी, थोड़ा मैं बीच में से ही ले लेता हूँ, पूरा पेज लोगे भी चलेगा, लेकिन अच्छे से होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। जितना हो सके छोटा ही बनो, ज़्यादा बड़ा भी मत बनाने जाना, क्योंकि फिर पूरा पेज ऑक्यूपाई हो जाता है, फिर आर्क्स जो बनाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं इसके लिए। सो ये रहा 90 डिग्री, इसको ऐसे रखो, ये देखो, और ऐसे लाइन खींच दो। आप चाहिए तो फिर थोड़ा सा रब आउट भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, मतलब थोड़ा छोटा बनाने के लिए। अब एक काम करो, सबसे ट्रिकीएस्ट वे, हमने प्रीवियस सम में क्या किया, बहुत बड़ा ट्राइंगल बनाया था, तो अब ये कितना सेंटीमीटर का वो देखते हैं, ये कितने का है, 5 सेंटीमीटर, ओके। और ये कितने का, हम इसको भी 5 सेंटीमीटर ही कर देते ना, बेटर है ना, कोई टेंशन ही नहीं।
90 डिग्री है ऑब्वियस। अभी इसका कितना रहेगा वो देखते हैं। ये 7.2 है, मतलब ये 5, ये 5, ये 7.2 है, तो ये 2.5 है। 2.5 और 2.4 का हाफ कितना होता है, 1.2। तो 2.5 प्लस 1.2, देखो 2.5 का हाफ क्या है, 2.5 बराबर। और 2.5 का मतलब 2.4 लेते, डिवाइड करने को आसान होगा, तो 2.1.2 होता है, तो ये होगा 3.7। ठीक है, 3.7। अभी मैं राउंडर का इस्तेमाल करूँगा, एज आई सेड इसको अच्छे से जोड़ो, इसको इस तरह से रखो जी। अभी देखो यहाँ पर एक तो यहाँ इसके लिए काम आएगा और इसके लिए, तो हम लेंगे 3.7 इन दोनों के लिए। 3.7 7.2 का हाफ कितना होता है, 7.2 का वो देखते हैं। 3.6, 3.6 का हाफ, 7.2 का 3.6 है, 3.6 का हाफ डिवाइड करेंगे तो 1.8। तो 3.6 प्लस 1.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 5.4। तो ये 5.4 वाला बनाते, ये सब बना के रखते 5.4 ना। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसका पहला देखेंगे 5 सेंटीमीटर से, पूरा यहाँ से जो ओरिजिनल सेंटीमीटर होता है वही कर लेंगे फिर। 5 सेंटीमीटर, यहाँ से एक सेकेंड, केयरफुली करना रहता है अदरवाइज। अरे वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, वापस से ही करता हूँ। मेरा शायद राउंडर जो है ना वो स्लिप हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है ना। ठीक है, पहले इसको लेते हैं, तो बड़ा ही ले लो तो बेटर होगा। यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है। यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो ये एक हो गया। अभी हमें इसको जरा लाइन खींच देता हूँ, तो पॉइंट यहाँ पे है, ये एक लाइन हो गया। सॉरी, फिर ये वापस से वही 5 सेंटीमीटर का ये इधर वाला करेंगे। थोड़ा ये जो एक्स्ट्रा आर्क्स जो बने हुए हैं ना, इसको ज़रा रब आउट करना, जो आसपास ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये 7.2 का वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ज़रा अभी यहाँ से 5 सेंटीमीटर, रुको
यहाँ पे जाएगा, तो ये जा रहा है इस तरफ, वेट अ सेकेंड, तो उस डायरेक्शन में लेंगे। यहाँ पे लेंगे हम, मुझे लग रहा है देखो यहाँ पे ही कट हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे वापस से देखो, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है और यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। अभी इसको जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। देखो एक ये हो गया, अभी 7.2 का करते, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये करो, मैं राउंडर से पेंसिल निकाल रहा हूँ और फिर ये देखो बन गया। अब इसके बाद हमें क्या बताया गया है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब ये लेटर कौन सा है, एक्स वाई जेड ना, एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स के लिए हम ये जो पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, ये जो लाइन का पॉइंट है यहाँ पर, एक्स से लेके हम यहाँ तक जोड़ देंगे, ओके। फिर एक होगा यहाँ से, वाई का किधर से हम जोड़ेंगे, ये लाइन जो दिख रहा है आप लोगों को, मैं शायद पेन से करूँ तो बेटर होगा ना, बिकॉज फिर सब कंफ्यूजन होगा। तो एक्स का लाइन यहाँ से यहाँ तक है, वाई का लाइन देखो एंड का, और एंड का हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है देखो, ठीक है। और एक और है यहाँ पे, ये देखो ये लाइन दिख रहा है यहाँ से, तो दिख रहा है ये आप लोगों का ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है इन सब लाइंस को जब ये कनेक्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज जी, ओके। एक्स को यहाँ से, वाई को इस तरफ और जेड को इस तरफ, ये तीनों मिलना चाहिए, ओके। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है जी है। तो आप चाहिए इसे पॉज कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन रीड करता हूँ। ड्रॉ एन आइसोसेलस ट्राइंगल, ड्रॉ ऑल इट्स मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स, राइट राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट दियर पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। ओके, तो आइसोसेलस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड सेम होते हैं और एक साइड डिफरेंट होता है। जैसे इक्विलैटरल में क्या, तीनों साइड्स सेम होते हैं, बराबर। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, ये तुम लोगों का ट्राइंगल है एक रफ, मैं कोई भी नेमिंग दे देता हूँ, पी क्यू आर, ओके। तो ये जो साइड होगा ये 10 10 लेंगे और ये 8 लेंगे, बराबर। हमें जो बेस लाइन है उसको मैं से ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ऑल राइट, और ये क्यू आर हो गया। अभी हम राउंडर लेंगे, राउंडर से ये जोड़ देता हूँ, और जो दोनों साइड से 10 10 सेंटीमीटर उसको मैं एक साथ ले लेता हूँ, ऐसे
यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा है, ये पी है, ओके। अभी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ओके। अभी क्या वो करना है, इन लोगों ने बोला एल्टीट्यूड और मीडियंस ना, तो आप लोग पहली बात तो ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो दोनों तरफ, तो सॉरी तीनों तरफ, ये क्रोकेट हो गया, सॉरी यार, एक प्रॉब्लम हो जाता है ना, पूरा वांदे हो जाते, सब ये हो जाता है। इसके आप लोगों को बोलता था प्रैक्टिस किया करो आप लोग भी। देखो ये एक एल्टीट्यूड हो गया, अरे सॉरी मैं थोड़ा बुक को ट्विस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को कैमरा रहता है बोल के मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, तो मैं फ्री हैंड से आराम से कर लेता। ये देखो, और फिर ये वाला, ठीक है। तो ये देखो सब 90 डिग्री का एल्टीट्यूड बना दिया मैंने। पहले क्या करना है, ट्रिक समझो, ये सब जोड़ना चाहिए, ये तीनों मिलके जोड़ना चाहिए, और ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, आप लोगों को अब तक तो पता ही है, ओके। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कुछ भी दे दो, ओ दे दो, जी दे दो। अभी देखो कैसे करना है, इसको जोड़ना है, बहुत लोग मेरे से भी अभी मिस्टेक हुआ इसके पहले, इसके लिए मैंने पूरा कैंसिल करके दोबारा से शूट किया ये चीज़। आर से ये जो दोनों साइड्स होते हैं नीचे का जो एंगल्स, यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट खींचो, ये दोनों खींचने के बाद 90 डिग्री वाला लाइन स्ट्रेट ये वाला उसके साथ खींचो, तभी ये पहले मत लो, पहले ये दोनों लो यहाँ से, ओके। अभी आप लोगों को मीडियंस का करना है तो बहुत इजी है, मीडियंस का भी कोई ऐसा टेंशन नहीं है, आप लोगों को जैसा चाहिए वैसे कर लो, कोई फिक्र की बात नहीं। देखो यहाँ पर आप लोग आर का एक ले सकते हो, ओके, एक टेढ़ा मेढ़ा लाइन बना दो, ये देखो ऐसे है, तो मेरे को यहाँ पर पूरा ट्विस्ट करना पड़ता है बुक को, ये देखो यहाँ पे, तो ऐसे ये सब क्रूकेड लाइंस होते हैं, इसको बोलते हैं मीडियन। एल्टीट्यूड 90 डिग्री का होता है, मीडियन 90 डिग्री का नहीं, थोड़ा आड़ा टेढ़ा होता है, तो ये रहा आप लोगों का एल्टीट्यूड और मीडियन। तो यहाँ पर आप नेमिंग्स भी दे सकते हो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। जैसे कि ए एस है एल्टीट्यूड, टी आर इज़ एल्टीट्यूड, और यू क्यू यू इज़ ऑल्सो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। मीडियन क्या है, यू आर या आर यू, क्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू क्यू मीडियन है, ओके। तो आप चाहे तो पॉज कीजिए, उसके बाद हम थियोरी वाला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 7 वो डिस्कस करेंगे, फिर हो गया, ओके। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर, और एक डायग्राम दिया गया है, फिगर क्या लिखा है, पॉइंट जी इज द सेंट्रोइड, ओके, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पहला है इफ लाइन आर जी इज 2.5 देन लाइन जी सी इज इक्वल टू डैश। सेकेंड है इफ लाइन बी जी इज 6 then line BQ is dash. Third है if line AP is 6 then line AG is dash and line GP is dash. अभी देखो, अभी इसमें डायग्राम दिया गया स्टूडेंट्स, तो मैं उसे भी ड्रॉ कर लेता हूँ, क्या करूँ मैं, ओके, ये वाला जो स्टेंसिल वाला है इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। थोड़ा टेढ़ा है, तो ये मीडियन है, अब ये मीडियन की बात चल रही है, यहाँ पर कोई आपको एल्टीट्यूड वाला चीज़ ही नहीं है, और सेंट्रोइड का इसमें टर्म इंक्लूडेड है, तो वो भी देख लेंगे। ए बी सी और क्या है ये, पी क्यू आर ना, पी क्यू आर। अभी देखो इसमें क्या बताया था, एक एक रूल होता है सेंट्रोइड में, सेंट्रोइड में क्या होता है, जब
मीडियन को डिवाइड होता है तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है, ये बात याद रखना। अभी आप टेक्स्ट बुक में देखो तो एक तरफ कम रहता है एक तरफ ज़्यादा है, अभी देखो यहाँ पर एक तरफ कम है तो ये 1 के रेशियो में आता है, और एक तरफ ज़्यादा रहता है ना एक साइड का तो 2 में इंक्लूड होता है। अभी देखो कैसे, पहला क्वेश्चन है लाइन आर जी, वैसे लाइन आर जी इज 2.5 और लाइन जी सी फाइंड आउट करने को बोला, तो कैसे होगा देखो। तो जो फाइंड आउट करना है लाइन जी सी, लाइन इट्स वेट अ सेकेंड, जी कहाँ पे, जी बीच में, ओके मैं भी भूल ही गया, आर जी और जी सी, तो ये क्या हो रहा है देखो 2:1 के रेशियो में, तो ये 1 में आएगा और ये जी सी जो बड़ा लाइन है वो 2 के रेशियो में आएगा। तो जी सी जो फाइंड आउट करना है ऊपर लिखो, ओके हमेशा याद रखना ऊपर लिखो, और जो दिया हुआ है उसको नीचे लिख दो, ठीक है, और 2:1 का रेशियो करो। जी सी क्या है, थोड़ा बड़ा है तो मैं 2 लूँगा यहाँ पर, और जो कम जगह है वो 1 लूँगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अभी देखो जी सी का क्या दिया है, कुछ नहीं दिया गया है, रुको पहले ये लिख देते हैं। आर जी का क्या है, आर जी का क्या है स्टूडेंट्स, 2.5, उसकी जगह मैं वो टर्म लिख देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये उनसा भी 1 ही होगा, और 2 × 2.5 कितना हो गया 5, तो जी सी का आंसर कितना है 5, ओके। चाहे तो इसे पॉज करो या तो रिवाइंड करके देखना तो देख सकते हो। अभी मैं टर्न कर रहा हूँ और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ टेक्स्ट बुक ओपन रखिएगा। अभी सेकेंड मेन सब क्वेश्चन में बी जी, लाइन बी जी इज 6, देन बी क्यू, मतलब बी क्यू अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक में तो बी क्यू इज़ द बिगर लाइन, ओके बी जी हाफ है, ओके बी जी 6 अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो, हाफ ये है वो 6 है, तो 2 के रेशियो में है, और जी क्यू नहीं दिया, डायरेक्ट बोला बी क्यू फाइंड आउट करें, तो पहली बात हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जी क्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर ये जो दिया है बी जी वो लिख देंगे, ओके तो यहाँ पर देखो जी क्यू कितना बड़ा लाइन है, और देखो जी क्यू इज 2:1 में, ओके तो देखो जी क्यू का अगर आप स्पेस देखो तो 1 है, यहाँ पर जी क्यू की जगह देखो 1 है, और बी जी का अगर जगह देखो एरिया तो वो पर 2:1 के रेशियो में आप डिवाइड करो, जहाँ पर जगह कम दिख रहा है वो 1 लो, जहाँ पर जगह ज़्यादा दिख रहा है वहाँ 2 लो, ओके तो जी क्यू 1 एंड बी जी 2, ओके अभी हम देखें आगे देखेंगे बी जी 6, तो लाइन जी क्यू है वो एज इट इज़ लिखेंगे, ताकि हम लोग वो पूरा लाइन फाइंड आउट कर सकें बी क्यू का। बी जी कितना है स्टूडेंट्स 6, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें वो, तो ये तो हो गया 2 × लाइन जी क्यू, और 6 × 1 = 6, जी क्यू कितना हो गया 6/2, ये दोनों डिवाइड होगा, जी क्यू कितना हो गया 3। अभी लाइन बी क्यू का कैसे लिखोगे, लाइन बी क्यू इज इक्वल्स टू लाइन बी जी प्लस लाइन जी क्यू, ओके तो बी जी कितना था 6, ओके और बी क्यू जी क्यू कितना था 3 6 7 8 9, तो बी क्यू कितना हो गया 9, ओके इसे भी पॉज करके देख लीजिएगा, बड़ा ही ईजी है, समझ जाओगे आप लोग। अब थर्ड वाला थोड़ा ट्विस्टेड है, इसमें क्या बोला है कि अगर आप बराबर से फिगर को देखोगे, वो ज्योमेट्रिकल फिगर जो दिया गया है, ए जी फाइंड आउट करने बोला और जी पी, ओके ए जी और जी पी, तो आप लोग यहाँ हाफ आवे, लेकिन पूरा ए पी का लाइन जो है, पूरा वो जो ए पी का लाइन है वो 6 है, लेकिन आप लोगों के पास ना ए जी का है ना, प्रीवियस में ऐसा हाफ रहता था तो ऐसा आप लोगों को मिलता था आंसर, और जी पी लाइन का आपके पास आंसर नहीं, तो क्या करेंगे हम ए जी अपॉन जी पी को ना ऊपर नीचे लिखेंगे। अब ए जी अपॉन लाइन जी पी, अब डायग्राम को गौर से देखो, ए जी का लाइन बड़ा है या जी पी का, ए जी जब बड़ा है लाइन है, ओके ए जी का लाइन बड़ा है तो 2 लेंगे, और जी पी का लाइन छोटा है तो मैं 1 लूँगा, ओके अभी मैं क्या करूँगा, कंसिडर करूँगा कि ये एक्स है, ओके बिकॉज इसका आंसर नहीं दिया गया तो मैं एक्स कंसिडर कर रहा हूँ। अभी क्रॉस करेंगे तो देखो, एक सेकेंड मैं आप लोगों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताता हूँ तो फिर आप लोग भी समझ जाओगे, ओके ए जी 2x है और जी पी 1x है, ओके जब
मैं लाइन एपी को अगर सेग्रीगेट करूँ, लाइन एपी का अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो, मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ, लाइन एपी है ना, उसका कैसा रहेगा, लाइन एपी इज इक्वल टू लाइन एजी प्लस लाइन जीपी, ओके, लाइन एजी प्लस लाइन जीपी, एपी क्या है 6, एजी क्या मैंने बताया था 2x और जीपी क्या है 1x, 2 + 1 3x, मैं ऐसा लिख देता हूँ 3x, थोड़ा ट्विस्ट किया मैंने, मतलब थोड़ा इन्वर्ट किया वो मैं बोल रहा हूँ, तो 6 / 3 ये डिवाइड होगा 3 2 से, तो x इज इक्वल्स टू 2, तो आपको जीपी लाइन जीपी कितना मिला, x क्या है देखो एक मिनट, ऐसा मैं एरो ड्रॉ करता हूँ, 2 × x की जगह मैं अभी 2 डालूँगा और 1 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, तो ए जी क्या है 4 और जी पी क्या है 2, ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए हो, अब तक नहीं समझो तो रिवाइंड करके देख लो, कोई टेंशन की बात नहीं, यूट्यूब वीडियो है यार।